और उसके पैरा एक ए और एक बी में जिस प्रकार उल्लेख किया गया है, अगर उनको पढ़ लिया जाता तो शायद यह नोटिस नहीं दिया जाता। इससे पहले भी जब जनता दल में स्प्लिट हुआ था, मैं भी उस समय विधानसभा का सदस्य था। 1990 के अंदर हमने जनता दल दिग्विजय बनाया था, उस समय भी माननीय अध्यक्ष जी की स्पष्ट व्यवस्था थी कि चूंकि स्प्लिट का काम विधानसभा के बाहर हुआ है, इसलिए विधानसभा के बाहर के किसी कर्तव्य पर किसी भी मान्य सदस्य को अयोग्यता के लिए जिम्मेवार नहीं बनाया जा सकता। कॉल ऑन सकदर ये बात कहता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 191 ये बात कहता है, 10th शेड्यूल ये बात कहता है, उसके पश्चात भी संवैधानिक प्रावधानों को और हमारे जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, उन सबको धत्ता बताकर जो नोटिस दिया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। विधानसभा का सचिवालय एक तरह से इंडिपेंडेंट सचिवालय होता है, उसका इस प्रकार राजनीति में दखलंदाजी निंदा करने योग्य होती है।